जब मेरे पास ये महाभारत लेकर आए, उससे पहले मैं गौरव जी मेरे पास आए थे एक दूसरे शो के लिए जिसका नाम है क्राइम मास्टर गोगो शो। बड़ा इंटरेस्टिंग शो, मैंने हाँ बोली, शो शुरू हुआ। हमारे इंडस्ट्री के काफ़ी कलाकार बंबई के रेडियो पे शो करते हैं, अच्छे शो करते हैं, बहुत अच्छे शो करते हैं, लेकिन मेरे लिए रेडियो पे शो करना थोड़ा सा सोच का मामला था। पर गौरव साहब ने बोला नहीं, ये शो का नाम भी रखा है क्राइम मास्टर गोगो। तो वो शो हमारा शुरू हुआ रेडियो पे। बड़ा मुश्किल शो था मेरे लिए क्योंकि मुझे कलाकारों की जिंदगियों के बारे में रेडियो पे बताना था। पर आहिस्ता आहिस्ता वो शो शुरू हुआ। जो दूसरे रेडियो पे शो थे, आप लोग आश्चर्य होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये हमारा शो क्राइम मास्टर गो आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। और रेडियो नशा पे बहुत जल्द ये शो क्राइम मास्टर गोगो जो शक्ति कपूर का था, गौरव का जो कॉन्फिडेंस की वजह से ये शो नंबर वन पे आ गया। तालियां 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 तालियां। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे में आया कि हाँ, मैं रेडियो पे थोड़ी सी बात कर सकता हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े कलाकारों की हिस्ट्री पे रिसर्च की और उनके बारे में मैंने प्रोग्राम किए। सबसे ज़्यादा मैं बहुत आश्चर्य और बहुत खुश था जब मेरे को मेरे सीनियर शत्रुजी साहब की ज़िंदगी के बारे में मैंने रिसर्च की और औरों के एपिसोड एक थे या दो थे या तीन थे। सबसे ज़्यादा एपिसोड मैं बहुत खुशकिस्मत था कि शत्रुजी की ज़िंदगी के बारे में मैं बोल सका। और सबसे बड़े फॉलोइंग जो हमारे रेडियो पे हुई है, शत्रुजी के शो पे हुई है, इनके एपिसोड्स पे हुई है। और ये हमारे सीनियर है इंस्टीट्यूट के, महान इंसान है। मेरी जिंदगी के अंदर बहुत मुश्किल आते आई, मैं बहुत समस्याओं में फंसा हूँ, वो तो सारी दुनिया जानती है कि मैं फंसता रहा। पर मैं मेजरली फंसा, मुझे जिंदगी के अंदर उन प्रॉब्लम से निकालने वाला एक ही इंसान था, उसका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। मैं दिल से बोल रहा हूँ, ये छोटी मोटी समस्याएं नहीं थी, एक ह्यूमन ग्राउंड की समस्याएं थी जहाँ एक इंसान को कोई और दूसरा इंसान चीट कर रहा है, लेकिन उसको सही समझाना शत्रु साहब का काम था जो उन्होंने समझाया। हाँ, इसमें पैसा आया क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। अब रहा सवाल इसका, जो ये महाभारत, ये हमारे अजीज हमारे पास आए, बोले कि एक कैरेक्टर है, मुझे आपके सिवा कोई और नहीं चाहिए। मैंने कहा भैया, मेरे को महाभारत के बारे में, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं महाभारत के बारे में सब कुछ जानता हूँ। जानता हूँ, उतना इल्म है मेरे में जितना मैं बड़ा होता, मैंने पढ़ा नहीं है, पर जानता हूँ कि महाभारत, जैसे बोला शत्रु जी ने कि महाभारत और रामायण, रामायण एक ऐसी चीज़ है, एक कमाल, एक मतलब पवित्र है कि शत्रु जी ने अपने घर का नाम भी रखा है रामायण। मेरे ख्याल से तालियां बज सकती हैं। आजकल हमारे बच्चों को मालूम नहीं है वैसे कि क्या है ये, कितने बच्चों को नहीं मालूम है। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि ये जो महाभारत रेडियो पे आया है, मुझे इन्होंने बोला कि हम रेडियो पे चलाएंगे, आपकी आवाज़ें जनता को समझ में आएंगी। मैं क्या बात कर रहा हूँ, 10 तो शक्ति कपूर हैं जो अब मेरी आवाज़ें इमिटेट करते हैं, उनको ले लो, और शत्रु जी को तो 200 हैं। खामोश बोलेंगे शत्रु जी आगे, हाँ फिर ये बोले नहीं, विवेक ओबरॉय है, उसकी आवाज जो नेचुरल है शत्रु जी की। मैंने कहा शत्रु जी हैं? बोले हैं। मैं कहा अगर वो नहीं है तो मैं नहीं हूं, अगर वो हैं तो मैं हूं। बोले शिल्पा जी, अगर मैं कहा शिल्पा जी नहीं है तो मैं नहीं हूं। तो मैंने शत्रु जी को फोन लगाया, बोले हाँ बचे, मैं हूं। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि शत्रुघ्न सिन्हा जो हमारे हिंदुस्तान के इतने बड़े कलाकार हैं, अगर वो रेडियो पे आ सकते हैं तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कोशिश करूँगा, कसम से बोल रहा हूँ, दिल से। शिल्पा जी, हमने बहुत काम किया शिल्पा जी। मैंने कहा शिल्पा जी इतनी शुद्ध हिंदी, ये अंग्रेजी बोलते बोलते थकती नहीं है, हिंदी कैसे बोलेंगी? शिल्पा शेट्टी, ये मेहनती बहुत है। एक फिल्म के अंदर, जिस फिल्म में मैं नहीं था, एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। मुझे इन्होंने फोन किया कि शक्तिदा, ये कैरेक्टर में मुझे थोड़ा सा कुछ समझा सकते हैं तो समझाइए, आप तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। मैंने कहा मैंने जो कैरेक्टर किए वो ऐसा अच्छे कैरेक्टर नहीं है।
तो बोले नहीं फिर भी, तो मतलब शी इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग एंड हार्ड वर्किंग गर्ल. तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं. तो ये अभी मुझसे पूछ रहे थे कि शुकनी का कैरेक्टर, तो मैंने जब इनसे बात हो रही थी, फिर विवेक ओबरॉय 3 सितंबर हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, एक राम था एक रावण था, वो दूसरी बात है. अभी सितंबर 3rd ये भी है, मैं भी हूँ. तो जब ये इतनी अच्छी अच्छी बात है, मैं कहा विवेक ओबरॉय ये भी इतना कुछ बोल रहा है यार, इतनी शुद्ध हिंदी. मैं बचपन में देखा, मतलब इनको बचपन में इनके तो लंबे लंबे बाल थे, ऐसा लगा बड़ा मॉडर्न है ये. अचानक अचानक शुद्ध हिंदी, गांव खेड़े में गुड वर्क. गुड वर्क तो सितंबर 3rd के सभी करते. मैंने जल्दी क्या बात है, क्या बात. हाँ, अभी इनका सबको मालूम है, मेरा सबको नहीं मालूम है, क्योंकि मैं बोलता नहीं. अच्छा काम करो, डालो अंदर, है ना. तो मैं बोलता नहीं हूँ और करता भी नहीं हूँ वैसे, हम पाप ठीक है. तो मैंने वाइफ को मैसेज किया, मैंने कहा शुकनी कौन था भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ. मेरी धर्म पत्नी शिवांगी वो बहुत पूजा पाठ वाली हैं और महाभारत भी जानती है, रामायण भी जानती है, तो उनका मैसेज आया, पढ़ देता हूँ. शुकनी कौन था और मैंने क्यों किया, इट्स अकॉर्डिंग टू माई वाइफ, शी सेड ओके डू इट, देन आई डिड इट. शुकनी मामा इज अ वेरी रिविटिंग एंड कलरफुल पर्सनैलिटी. द शेड्स एंड लेयर्स टू हिज पर्सोना आर फन टू एक्सप्लोर. समझ गया ना, इंग्लिश आती है ना, इतनी शुद्ध हिंदी बोली है, लोगों के साथ अंग्रेजी भूल गई हो. तो मैं बोल रहा था फन टू एक्सप्लोर, डिसेप्टिव येट फनी, मैग्नमस येट येट मैग्नमस येट, ये क्या है, अरे ये क्या है इंग्लिश में, मैग्नानिमस येट नार्सिसिस्ट. हां आगे एट द सरफेस बट अ स्टोरी अंडरनीथ. हां एंड शी सेड यू मस्ट से दिस, आई हैड फन प्लेइंग दिस रोल. और मैंने कहा और क्या बोलूं, बोलो और कुछ नहीं. तो मैंने कहा शुद्ध हिंदी मुझे भी आती है, तरनी तनु तत्माल तरु बछाए, मसी का छू नहीं कलम कहीं ना हाथ, लाली मेरे लाल की जिद क्यों लाल, माया तेरे तीन नाम, पड़सी पड़सा परस राम. वाह 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 शक्ति जी, वाह वाह. जी को यहाँ पे राहुल बैठे हैं, उनको बहुत बढ़िया कलाकार हैं. यहाँ पे हमारे मित्र सहयोगी दिलीप ताहिल बैठे हैं, उनको हमारे छोटे भाई परिवार के अभिन्न अंग विवेक ओबरॉय, उनको हमारी नायिका, हमारी बहुत अच्छी, ज़माना ख़राब है ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ फिर भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी नायिका, बहुत ही अच्छे कलाकार, और इसने बहुत सुंदर काम किया, हमेशा करती है, इसमें भी बहुत सुंदर काम किया. ऐसी हमारी शिल्पा शेट्टी, और जो एक ज़माने में बहुत हार्मफुल थे, भाई इन दिनों टोटली हार्मलेस हो चुके हैं. और कुछ मी टू का कमाल है, और साथ ही साथ इनकी बेटी जो हैं, जो आज नाम रोशन कर रही हैं, श्रद्धा कपूर, उनका भी कमाल है कि उसकी वजह से इनके बहुत ज़बरदस्त अंकुश पड़ गया है. ऐसे हमारे अभिन्न अंग जो हैं हमारे फिल्म उद्योग के भी और हमारे परिवार के भी, शक्ति कपूर जी, साथ में बैठी हुई जयती जी, जयती जी के साथ सीमांतो जी हैं, तमाम सम्मानित मंच और तमाम आप लोग जो आए हैं, उन तमाम लोगों को प्रणाम करता हूँ, हार्दिक अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ. और साथ ही साथ आपके अनुराग जी, आपने जो हमसे पूछा है महाभारत में, जो आपने कहा कि आज की राजनीति में वैसे लोगों की जरूरत है, लेकिन ऐसे लोग मिलते नहीं है, ये जो आप है ना, मिल कोशिश उस राह पे, मेरी तुलना नहीं हो सकती है खासकर भीष्म पितामह से, देवव्रत से, गंगा पुत्र से, मेरी तुलना नहीं हो सकती, लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं उस राह पे चलने की, अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं. उसी कोशिश में, कोशिश की प्रक्रिया में हम सब इकट्ठा हुए. लेकिन महाभारत, महाभारत पे पहले कह दूं कि महाभारत जैसा आज शब्द का इस्तेमाल करो, दुर्लभ, रेयर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एपिक, ऐसा जो है कि क्या नहीं है इसमें, ज्ञान है, गुण है, कमिटमेंट है, मार्गदर्शन है, जीवन शैली का परिचय है इसके अंदर, वो डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है, डिवोशन है, ड्रामा है, पैशन है, ऐसा तो शायद बिड़ले ही विश्व में शायद ही कोई महाकाव्य मिलेगा जैसा महाभारत है. हमारे यहाँ दोनों जो महाकाव्य हैं, या तो रामायण या महाभारत, दोनों मैं सही मानों में कह सकता हूँ आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं,
ऐसे। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसमें ये कैरेक्टर भीष्म पितामह का, जो मैन ऑफ स्टील, जो प्रतिज्ञा करता है तो हस्तिनापुर में जाकर, यानी सेवा का, सेवा भावना के साथ सत्ता से दूर रह के, और ये बात को मानते हुए जो आज मानना चाहिए, लोग मानते नहीं आज की राजनीति में, कि सत्ता सेवा का माध्यम है, सत्ता सेवा का माध्यम होना चाहिए। आजकल सत्ता मेवा का माध्यम है हमारी राजनीति में, लोग सत्ता के जरिए कमाने के सोचते हैं, वहाँ सब कुछ गंवा कर सत्ता के जरिए सेवा करने की भावना और संकल्प लेकर, जैसे हमारे भीष्म पितामह सामने आया, देवव्रत गंगा पुत्र, वो मैं समझता हूँ अविस्मरणीय है, और सही मायनों में बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है और अनुकरणीय है। तालियां, तालियां। सभी महानुभावों को और मित्रों को, दोस्तों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको प्रणाम। मीडिया के सारे मित्रों को प्रणाम, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे श्रोताओं को प्रणाम, और उनसे भी इम्पोर्टेंट पिक्चर पांडे जी को प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। आप वहाँ नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। यार बात तो सही है आपकी। मैं जब सभी किरदारों को देखता हूँ, जब मुझे पूछा भी गया, क्योंकि मैं शायद इस प्रोजेक्ट से काफ़ी अर्ली स्टेजेस में जुड़ा, तो मुझे पूछा गया तो मैंने कहा यार मैं कर्ण प्ले करना चाहूँगा। और उसका रीज़न ये है कि शायद जब मैं छोटा था तो एक फैसिनेशन कृष्ण की ओर था, अर्जुन की ओर था, लेकिन पिछले 15-20 सालों में जो मैंने हिंदुस्तान के ग्रामीण विभागों में यात्राएं की हैं, अपने सामाजिक कार्यों को लेकर, कहीं स्कूल का निर्माण करना, कहीं जो गांव, जैसे सुनामी में जो गांव बर्बाद हो गए थे तो उनका पुनर्निर्माण करना, तो वो सारे जो अनुभव मैंने एक्सपीरियंस किए, वहाँ से मुझे ऐसे लगने लगा कि जो कर्ण का किरदार है ये आज भी जिंदा है। बिल्कुल। और आप देखें हमारे दलित समाज में वो जिंदा है, आप देखें हमारे SC ST NT समाज में, आदिवासियों में, आज भी वो कर्ण जिंदा है। मेरिट के बेसिस पे उन्हें जो उभर के आना है आगे, वो होता नहीं है। अब भी हमारे यहाँ सिर्फ इंडस्ट्री के लोग, इंडस्ट्री पर लोग उंगली उठाते हैं, लेकिन नेपोटिज्म हर जगह है, पॉलिटिक्स में है, फिल्म्स में है, कॉरपोरेट दुनिया में है। वो जो मेरिट पे कर्ण को आगे आना चाहिए था, जो उसे नहीं आने दिया गया सूतपुत्र कहकर, वो कहीं ना कहीं आज भी इस देश का एक नैरेटिव है, और उसे बदलना बहुत ज़रूरी है, वो याद दिलाना लोगों को बहुत ज़रूरी है। और उसी के अंदर एक और बहुत सुंदर बात है, मैं अक्सर ऐसी जगहों में जाता हूँ जहाँ पे खुद लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये एक ही देश है पूरे विश्व में जहाँ घर पे खाने को एक निवाला नहीं है, लेकिन आपको अंदर आमंत्रित कहेंगे और उस निवाले को भी वो आपके साथ बांट के खाएंगे। क्या बात है, बहुत बड़ी, ये हमारे संस्कार है, संस्कृति हमारे हिंदुस्तान की है, और उस संस्कार का प्रतीक है दानवीर कर्ण। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हजारों साल हो गए, सदियां बीत गई, लोग महाभारत के युद्ध को याद करते हैं, लेकिन कर्ण का जब नाम लिया जाता है तो पहली और पहली, आखिरी और आखिरी बात यही होती है कि दानवीर कर्ण। क्या बात, बहुत बढ़िया विवेक, क्या डिस्क्राइब किया आपने कर्ण को, बहुत खूब। इसीलिए और इस समय हमारे साथ में होना ही चाहिए, क्योंकि अभी ट्विटर पे देखो या कहीं पे भी देखो, न्यूज़ में देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही शत्रु जी ने मेंशन भी किया था मीटू, तो आई रियली विश कि जो भी कुछ हो रहा है या स्पेशली अगेंस्ट वेमन, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं जब छोटा था ना, मुझे एक किताब थी राजगोपालचार्य जी की, तो पता नहीं कैसे मेरे घर में थी, तो शायद माँ ने ला के दी होगी, किसने ला के दी होगी, अंग्रेज़ी की वो महाभारत थी, तो मैं पता नहीं क्यों, वो दिल्ली का लड़का था, तो जैसे कॉमिक्स पढ़ते थे ना हम लोग, लाइक एक टाइम होता है हर कोई एक सुपर हीरो कॉमिक पढ़ता है, फैंटम मेरा फेवरेट कैरेक्टर था, तो इस किताब में मुझे यही लगता था कि, और मुझे लगता था कि वो किताब मेरे आयु से काफ़ी आगे थी उस वक्त, मैं जहाँ वो बैटल उनका ख़त्म होता था 18 दिन, वहाँ वो किताब छोड़ दिया करता था, उसके आगे नहीं पढ़ा करता था, क्योंकि उसके बाद मुझे बोरिंग लगता था उस ज़माने में, मतलब मैं 10 या 11 साल का था। बिल्कुल। तो वहाँ तक बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी, और जो शानदार बात इस में है कथा में, यही है कि हर एक कैरेक्टर का एक महत्व है, मतलब कोई छोटे से छोटा हो, एक इनफैक्ट छोटे छोटे इंसिडेंट्स पे एक पूरा पूरा पूरी पूरी फिल्म दर्शाई जा सकती है, छोटे छोटे इंसिडेंट्स पे, वो जो एग्जाइल का पीरियड है उसी में ही इतनी सारी स्टोरीज हैं। तो भीम को लेके ये था मेरा कि अगर आज जैसे कि भीम हों
तो जो एक भरी सभा में उस जमाने में भाइयों का आदर, सीनियर्स का आदर, वो अगर आवाज़ उठा सकता है उस सभा के अंदर, और आज अगर मतलब आज की दुनिया में ऐसा भीम हो, आवाज़ उठाए भी और करके दिखाए भी, तो मुझे लगता है कि बहुत फास्ट हो जाए. मतलब इंस्टेड ऑफ यू नो 40 साल के ऐसे चल रहा है, 30 साल के ऐसे चल रहा है, सब बूढ़े भी हो गए हैं, और जब सज़ा हुई या नहीं हुई तब कोई उसका कुछ यू नो महत्व भी नहीं. तो भीम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो सिंपल है, राइचियस है, मतलब वो सिंप्लिसिटी भी है उसमें, मिस्चिवस भी है, राइचियस भी है. उसका जो मेन अच्छा मुझे लगता है वो ये है कि इतना बल होने के बावजूद भी हम्बल है, ह्यूमिलिटी है उस कैरेक्टर में, बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत ह्यूमिलिटी है उस कैरेक्टर में, बिल्कुल. और फिर वो रूल्स को अपने तरह से तोड़ मरोड़ देता है, जहाँ उसे पता लगे भी जंगे पे मारना है, जंगा पे मारा उसने, मतलब जो कि उस टाइम का एक रूल था कि शायद नहीं करना चाहिए, भाई के सामने नहीं बोलना चाहिए सभा के अंदर, वो भी बोला उसने. तो वो अंदर से एक इमोशन और सच पे जाता है ज़्यादा, और जो उसको इम्पल्सिवली जैसा जैसा लगता है वो वैसा वैसा करता है. बहुत बड़ी बात बोली आपने कि इतना हम्बल थे भीम, जबकि इतने ताकतवर थे. बस एक बार उनको गुरूर आया था, तो जब गुरूर आ गया शत्रुघ्न जी, तो वो बहुत मेरी फेवरेट स्टोरी है. जी जी बिल्कुल, बताइए. फेवरेट स्टोरी यही है कि वो वायुपुत्र ये भी हैं, तो रामायण जैसे कि अभी सबने मेंशन किया, 2-3 लोगों ने कि रामायण उसमें वायुपुत्र जी हनुमान जी हैं. और फ़र्क यही था कि उधर वो यू नो वो एक बार वो मोतियों का हार भी है, वो तितर बितर कर देते हैं कि राम नहीं है इसमें, खोल के दिखा भी देते हैं कि राम ही अंदर है. तो उस कैरेक्टर में भी ना बहुत ही सिंप्लिसिटी है जी. तो जब जाने का वक्त आता है तो उन्हें कहा भी जाता है कि भैया आपको यहाँ रहना है क्योंकि मेरे साथ नहीं जा सकते. इस किताब में भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको जाने के लिए मना किया गया है, मगर शाप है उसको, अश्वत्थामा जो है जी जी. अश्वत्थामा को शाप मिलता है इसमें कि वो बच्चों को जला देते हैं वो शिविर के अंदर पांडव समझ के. तो उसमें फिर वो गुरूर जहाँ उसका आता है, उछलता है थोड़ा बहुत वहाँ फॉरेस्ट के अंदर ना, तो मतलब ब्लेसिंग भी मिलती है उनको हनुमान जी के बड़े भाई की, मतलब जहाँ उनकी पूँछ को भी नहीं हिला सकते ये जी. और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि मैं ध्वज बन के रहूँगा अर्जुन के उस पर, मतलब एक तरीके से आप कहते हैं गूगल मैप्स हम लोग कहते हैं आज जी. तो उस टाइम की उनके चैरिट के गूगल मैप्स थे हनुमान जी, मतलब कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ ज़्यादा लड़ाई हो रही है, कहाँ उनकी आवश्यकता है फील्ड में. तो बिल्कुल भीम का गुरूर हनुमान जी ने तोड़ा था. और ये कि हर जीवन में एक सीखने वाली बात है कि भीम जैसा बलशाली कोई था ही नहीं हमारे पूरे, अगर देखा जाए तो पूरे इतिहास उठा के देख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी हनुमान ने उसे दर्शा दिया कि देखो हर इंसान का एक बाप होता है. जयती इस समय हमारे साथ मौजूद है, एक बार जयती के लिए जोरदार तालियां होनी. पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे बंबई आए 21 साल हुए, आज मुझे ना बहुत सार्थक लग रहा है यहाँ आप लोगों के बीच में बैठ के. आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू रियली. हाँ, गांधारी ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली क्योंकि उसे पता नहीं था कि के जो धृतराष्ट्र हैं वो अंधे हैं और उनके साथ उनका विवाह हो रहा है. भाई आकर बताते हैं तो उन्हें पता चलता है, और शायद वो जैसे कहते हैं कि हम अपने पति का अनुकरण करेंगे, एक उस समय हुआ करता था, तो उन्होंने भी अपने पति का अनुकरण करने के लिए आंखों पे पट्टी बांध ली. आज के समाज में मैं ये कहूँगी कि हमने जो महाभारत लोगों को सुना रहे हैं उसमें गांधारी का एक नया रूप भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर हमेशा ये सुमंतों ने किया है कि कैकई को भी उन्होंने एक अलग तरह से प्रस्तुत किया था, उसकी भी जो एंग्स थी, किस तरह किस लिए वो आई थी दुनिया में, उनका काम किया था, उनको किस कर्म के लिए रामायण में उनका किरदार आया था, वो भी एक अलग तरह से प्रस्तुत किया था. वैसे गांधारी का भी यहीं पर है, यहाँ पर ऐसा ही दिखाया जाएगा कि उन्होंने अनुकरण तो किया लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में इस बात की ठेस भी थी कि ये कहीं ना कहीं वो गलत अपने आप को मानती थी. दूसरी बात, मैंने एक बहुत खूबसूरत सीन किया, छोटा सा सीन था, जिसमें कुंती और पांडु वापस आते हैं राजभवन में, और वो कुंती के पास जाती हैं और कहती हैं कि तुम मेरी आंखें हो, तुम मेरी आंखें बनकर रहोगी, क्योंकि एक एक वुमनहुड, एक जो एक वुमेन फोक का एक साथ रहना, एक स्ट्रेंथ, वो मेरे ख्याल से वो गांधारी और कुंती के बीच में एक बॉन्ड बनता है. मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि गांधारी ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली तो इसीलिए वो लोगों के भीतर झांक सकती थी. क्या बात, बहुत. और इसीलिए वो जो सुनाई देता है, जो दिखाई देता है, उसके बियॉन्ड वो देख पाती थी क्योंकि वाइब समझती थी. इसीलिए मुझे लगता है कि ये किरदार अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है. और महाभारत एक ऐसा एपिक है
जो हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा सकता है, हर किसी के। मैंने एक प्ले पढ़ा है, मैं थिएटर करती हूँ, धर्मवीर भारती की एक प्ले है जिसका नाम है अंधा युग। जी बिल्कुल। उसकी शुरुआत द्वारपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में सुनते हैं, उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं और फाइनली गांधारी पर आता है जहां वो कर्स करती है, श्राप देती है कृष्ण को कि तुमने इतनी बड़ी पॉलिटिक्स खेली तो अब तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा जैसा तुमने दूसरों के साथ किया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि बहुत बहुत इट्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। थैंक यू सो मच अमर। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे, गौरव जी ने और सुमोत्र जी ने मुझे बुलाया महाभारत करने के लिए। इतने बढ़िया कलाकारों के साथ जो हमारे मित्र भी हैं, जयति जी, सिन्हा साहब, शिल्पा, विवेक, राहुल और मेरे पुराने और अजीज मित्र शक्ति कपूर को मैं क्या बात, कभी नहीं भूल पाऊंगा। जी जी बिल्कुल। नहीं, इसलिए मैं आखिर में छोड़ा आप था ना। और आप सबको यहाँ आवाए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस मीटिंग में आए हैं। आपको भी सर, आपने बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शंस किए हैं। द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य के बारे में ये उनका जो हम अंग्रेजी में बोलते इसको डायलेमा था कि वो न्याय अन्याय इसमें उसमें उलझे हुए थे कि इनका कोई मानते हैं कि जो उन्होंने किया वो जो सिखाया तो उनकी वजह भी थी, लेकिन यही उसका डायलेमा है, यही मतलब ये जो जो कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाता है द्रोणाचार्य का, कि ये कभी समझ में नहीं आता है कि उन्होंने कैसे किया और क्यों किया। हाँ, ये क्यों किया तो मालूम है क्योंकि उन्होंने और उनके साथ अन्याय हुआ, ये भी सही है क्योंकि हुआ था उनके मित्र के साथ। बिल्कुल। जिन्होंने उनको महल से निकाल दिया और पितृमोह भी था, भूल गए थे। जी बिल्कुल, पितृमोह भी था अपने बेटे को लेकर भी। हाँ, मोह था। और ये भी था कि मतलब अर्जुन की जो जो शिक्षा दी उन्होंने तो, और अपने अपने खुद के अपने बेटे को नहीं दे पाए, तो ये जो समस्या है ये गुरु लोगों के साथ अक्सर होता है। क्योंकि जब मुझे, मैं द्रोणाचार्य के बारे में सोचता हूँ तो मुझे महात्मा गांधी भी याद आते हैं, जो पूरी दुनिया के सामने वो महात्मा थे लेकिन अपने घर में अपने परिवार में वो उनको वो सुख नहीं मिला। बिल्कुल। तो ये अक्सर एक डायलेमा होता है। और बाकी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे डायरेक्टर ने हमें गाइड किया इसमें और आई एम वेरी वेरी I'm very proud to have played Dronacharya. Thank you. Yeah, brother. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे, मीडिया के लोग हैं, कुछ हमारे परिवार के लोग हैं, एनीवन कोई कुछ पूछना चाहे। सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं काले साहब का नाम भूल गया। काले साहब, आपका नाम लिया ना मैंने। काले, खड़े हो जाओ। इन्होंने, और मैं एक बार सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं एक बार बात और कहना चाहूंगा कि जब हम रेडियो सिलोन सुनते थे बहुत पहले, तो वहां पर रेडियो प्लेज हुआ करते थे और बगैर डायरेक्टर के किसी भी किरदार को मतलब प्रेजेंट करना केवल आवाज के जरिए, ये बहुत कठिन बात होती है। और यदि काले साहब और सुमंतु जी और दीपिका और गौरव मार साथ नहीं होते तो मुझे शायद ही आप यकीन नहीं मानेंगी, जब मुझे स्क्रिप्ट मिला तो मैं थोड़ी सी डर गई क्योंकि काला जी ने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना। पृष्ठ संख्या कुछ ऐसे ऐसे, बट इसे मैंने एक चैलेंज की तरह लिया और ऑनेस्टली कहा जाए तो मुझे लगा नहीं कि मैं इसे पूरी तरह से निभा पाऊंगी। क्योंकि क्या है, नॉर्मली जब आप किसी फिल्म में काम करते हैं, एक किरदार दिया जाता है आपको, देन यू take your paint brush and you color it, you know, and you bring it to life. yahan pe ye jo kirdar diya gaya mujhe wo already iconic kirdar hai, to the onus was just too much, the benchmark was very high. aur aise aise kamal ke kalakar jinke voice I think forget voice, their talent is you know unsurpassable. एंड मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और पहले दिन पे आप यकीन नहीं मानोगे, पूछ लीजिए हमारे डायरेक्टर साहब से। मैंने सीन पढ़ा और मैंने कहा मुझसे नहीं होगा ये, आई एम रियली सॉरी, मैं यहाँ पे डबिंग थिएटर आई हूँ मुझसे नहीं हो पाएगा।
हमसे ना हो पाई और मैं उठ गई। तो उन्होंने बोला उनको फिर 5 मिनट लगा मुझे कन्विंस करने के लिए। और क्या है, डर इस बात का नहीं था कि मैं ठीक करूंगी कि नहीं, डर इस बात का था कि मैं आई फील देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर मीडियोक्रिटी, और अगर मैं करूंगी तो मैं सबसे बेहतरीन करना चाहती हूँ यू नो काम। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा बिकॉज आई डोंट हैव अ कमांड ऑन द हिंदी लैंग्वेज, और ये बहुत ही मतलब क्लिष्ट हिंदी है। सो तो फिर मैंने इसे चैलेंज की तरह लिया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, जो पहला सीन हम लोगों ने शूट किया, आई मीन सॉरी रिकॉर्ड किया, देखिए इस फॉर अस इट्स सो लाइक यू नो इट्स सो एक्चुअली मेरा प्रश्न ये भी था कि आप एक शूटिंग के लिए जब जाते हैं तो बहुत तैयारी करनी पड़ती है टू फेस द कैमरा, यू आर नॉट फेसिंग द कैमरा, So if for you, आप लोगों को लगता होगा कि हम perform नहीं कर रहे थे। You don't have to do the back end preparations and you just have to go and speak. No, it is more difficult. नहीं, क्योंकि half the job was already done, ना? If you're doing a movie, you've already got an action to which you're putting in your reaction in the dubbing theater. So the work is far lesser for us. But when I heard you for the first time, I was like, wow. And thank you. It was really, I thought nobody could do it better than you. I mean, I had not seen you, I just heard you, and it was amazing. I want to cry now. तो जो पहला सीन हम लोगों ने रिकॉर्ड किया डबिंग थिएटर में वॉज द जो मैं प्रण लेती हूँ चीरहरण वाला सीन जो था, और यकीन नहीं मानेंगी आप और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, मैंने पढ़ा उस सीन को और सुमो को कहा कि Let's just go with it. इन्होंने एक्शन कहा, आई डिड इट इन वन टेक। और मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं इस रोल को डब कर रही थी, देर वॉज समथिंग विद इन मी दैट केम अलाइव, एंड दैट इज़ समथिंग जो आप कंट्राइव नहीं कर सकते। तो वो जो पावर था, दैट इंडिग्नेशन, दैट इंसल्ट, दैट पेन दैट शी वेंट थ्रू एज अ वुमन, that I didn't even need to enact. It was just, it just came out from within. And you know, my stomach was churning when I was doing that scene, ke what she must have gone through. So that thing just came out, and I actually burst out crying in the dubbing theater after dubbing it. Aur phir mujhe rokna pada apne aap ko, aur phir pata nahi main shayad beh gayi thi us moment mein, us emotion mein. And like you rightly said, it was a very, very, it's one of the hardest roles I've ever played in my life. And I don't know. And I think the best. Thank you. Well, actually, maine dubbing se pehle radio plays kiye the. So I started with radio plays. Main shayad 16 ya 17 saal ka tha. Aur mujhe ek dost ne bataya ki yaar tu chalega ek radio play karne, thodi awaaz awaaz kar lena, ek aadh ghante ka kaam hai. Aur 150-200 rupees मिल जाएंगे। तो मुझे उस जमाने में 500 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी। मैं कहा 150-200 रुपये 2 घंटे में, ये तो कमाल है। फिर वहाँ से जादू शुरू हुआ। मुझे याद है रेडियो एंड टेलीविजन सेंटर RTVC, वहाँ पे एक रूपा जी हुआ करती थी, रूपा सांगले जी, आई डोंट नो वेयर शी इज राइट नाउ, बट शी वाज अ वेटरन एट द टाइम। और उनके अंडर मैंने थोड़ा थोड़ा रेडियो शुरू किया। फिर रेडियो से मुझे अंग्रेजी भी बोल लेता था, हिंदी भी बोल लेता था, मुझे दोनों में काम मिलने लग गया। फिर स्पॉट्स, जो एक पहला स्पॉट किया मैंने, सीधा 5,000 रुपये का चेक आ गया हाथ में। तो मैंने कहा एडवर्टाइजिंग बड़ी अच्छी चीज़ है। जो रेडियो प्लेस में 150-150 रुपये 200-200 रुपये मिलते थे। एंड देन फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड डूइंग डबिंग, देन आई बिकेम अ प्रॉपर डबिंग आर्टिस्ट। तो बहुत सारी अंग्रेजी फिल्में हैं, आपके जुरासिक पार्क से लेके, बेब से लेके, द रॉक से लेके, स्टार वॉर्स ट्रिलोजी से लेके, बहुत सारी फिल्मों को मैंने हिंदी में डब किया। और बहुत सारे हिंदी प्रोग्राम्स हैं जिन्हें मैं अंग्रेजी में डब किया करता था। सिद्धार्थ काक जी का एक प्रोग्राम हुआ करता था सुरभि, तो उसे मैं अंग्रेजी में डब किया करता था। और या थ्रू आउट कॉलेज बहुत सारे अंग्रेजी शोज़ थे। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर शो कॉल्ड बोल्ड एंड द ब्यूटिफुल, फिर एक शो हुआ करता था सेंटा बाबरा, यंग एंड द रेस्टलेस, बहुत सारे थे ऐसे शोज़। बहुत सारे ऐसे शोज मैंने डबिंग किए, तो आधा समय कॉलेज और आधा समय डबिंग स्टूडियो में। तो ये मेरे लिए एक रीडिस्कवरी था और बहुत बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैं रेडियो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं इस आदमी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ।
मैं रेगुलरली इनका शो सुनता हूँ और इनको बहुत फॉलो करता हूँ, बिकॉज समबडी लाइक हिम पर्सनैलिटी, जो मैजिक ये करते हैं रेडियो पे, इट्स अनदर मैजिक ऑल टुगेदर. सो आई एम अ बिग फैन ऑफ रेडियो एंड मुझे बहुत मज़ा आया ये करते वक्त. और जैसे शिल्पा कह रही थी, हमारे बच्चे लगभग एक ही उम्र के हैं और मैं भी चाह रहा था कि मेरे बच्चों तक उनके कानों में ये सारी बातें पहुँचें. कहीं ना कहीं हम बहुत कम क्रेडिट देते हैं रामानंद सागर जी को और बी आर चोपड़ा साहब को, क्योंकि जितनी भी महाभारत और रामायण हमें मालूम है वो उनके वजह से मालूम है. बिल्कुल बिल्कुल, क्या वो यू नो आई थिंक उसी तरह इस शो को भी श्रेय देना चाहिए. मीडिया से एक सुप्रीम कोर्ट में है फिलहाल, और जो मामला अभी धर्म कर्म की चारदीवारी से बाहर निकल कर राजनीति के मर्यादा के अंदर शामिल हो चुका है, उसके मामले में, उस मामले में मुझे या आपको किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए. ये बहुत ही नाजुक संवेदनशील मामला है और इसमें जो है बहुत कदम फूंक फूंक कर रखने की आवश्यकता है. और ये एक तरफ जनमानस से जुड़ा हुआ मामला अवश्य है, लेकिन इतना ज़्यादा इसको उलझा दिया गया है कि अब इसका फैसला हमने चाहा था कि लोगों की मानसिकता या लोग आपस में मिलकर इन बातों का फैसला कर लें कोर्ट की चारदीवारी के बाहर, लेकिन कोर्ट की चारदीवारी से बाहर जब नहीं हो सका, अब कोर्ट के अंदर, वो भी हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो उस मामले पे अब हम लोग ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं करें तो बेहतर है, सिर्फ इंतज़ार करें.